करती हूँ। और ठंडियों का मौसम है तो ठंडियों के मौसम में और बारिश हो रही हो तो सबसे पहले किस चीज़ की याद आती है? हाँ जी, चाय की याद सबसे पहले आती है, लेकिन उसी चाय को अगर बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी बनाकर पिया जाए तो फिर क्या बात है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चाय की रेसिपी, जो बहुत ही शरीर के लिए हेल्दी होती है और नज़ला जुकाम खांसी के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इसमें हम 7 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, मुलैठी जो कि गले के लिए बहुत अच्छी होती है, तुलसी पत्ते और अदरक। इसमें हम 7 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और ये चाय बहुत ही हेल्दी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी हेल्दी चाय की रेसिपी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँ, आपसे बोलना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और लाइक आपने पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी हेल्दी चाय की। आज हम बनाने वाले मसाला चाय, और सबसे पहले पानी मैंने रख दिया है, इसमें डालते हैं चीनी। चीनी अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसमें डालेंगे मसाला। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम मसाला बनाएंगे, तो ये मैंने मसाला बनाकर रखा हुआ था। इसमें मैंने 4 से 5 चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और मुलैठी। 5 चीज़ें जो इसमें पाउडर बना के हम स्टोर कर सकते हैं, तो ये मैं डाल रही हूँ। ये सर्दियों में ये पाउडर बहुत अच्छा होता है, इसका चाय आप पीते हैं तो। ये है तुलसी के पत्ते, ये हर घर में तुलसी का पौधा होता है, ये तो फ्रेश तुलसी के पत्ते हैं, उनको हम इसमें तोड़कर डालते हैं। और अदरक, अदरक इसमें कूट के डालेंगे। सारी चीज़ डालने के बाद इस काढ़े को हमें बहुत अच्छी तरह पकाना है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छी तरह जब ये पक जाएगा तो जितने मसाले हमने डाले हैं उन सब का स्वाद जो है इस काढ़े में आ जाएगा, जो आपकी चाय पत्ती के साथ होगा। और दूसरी चीज़ ये चाय जो है हमारे उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे हम सर्दियों में गला ख़राब हो, गले में दर्द हो, खांसी हो, जुकाम हो, उसमें बहुत काम आती है। तो आप देख सकते हैं उबाल आ गया है, हम इसे कंटिन्यू 1 मिनट या 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। आप देख सकते हो अच्छी तरह से जो हमारा चाय पत्ती का कावा है वो बहुत अच्छी तरह उबल गया है। अब इसमें दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद भी हमें इसे उबाल आने तक पकाना है। अभी अभी उबाल आया है तो अब हम इसमें 1 मिनट के लिए इसी तरह कंटिन्यू और पकाएंगे। ये देखिए चाय अच्छी तरह से उबल चुकी है और हमारी चाय रेडी है, अब इसे सर्व करते हैं। ये मसाला चाय बनकर तैयार। मुझे भी आसानी से अपनी हेल्दी चाय बनाकर तैयार की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी।